किसान भाइयों आज हम बात करेंगे अगेती बैगन की खेती के बारे में और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ किसान भाइयों अगर आप अगेती बैगन की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जैसे बैगन की खेती कर रहे हैं आप ये जानना होगा कि बैंगन आमतौर पर छः से सात महीने का फसल है और ये सालों भर इसकी खेती आज के समय में की जाती है और ज़्यादातर प्रभेद जो बाज़ार में हाइब्रिड प्रभेद उपलब्ध हैं ओ राउंड देयर इसकी खेती करना संभव हो पाता है एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी जब आप प्रभेद का चयन करेंगे तो आगात का मतलब है कि बरसात में ही इसकी आपकी बुआई कर देनी है और जो पौधे बढ़ने शुरू होंगे वो उस समय तक भी बरसात रहेगा तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि ज़मीन पे फैलने वाले कम बढ़ने वाले परभेद का चयन नहीं करना है जैसे स्वर्ण से श्यामली प्रभेद है या दूसरे और प्रभेद है जो ज़मीन में ज़्यादा फैलते हैं या जेठुआ जेठुआ नाम से ही जेठ में करने वाला है तो वैसे प्रभेद का आप चयन नहीं करेंगे आप अघनुआ जो अघन में तैयार हो जाता है वैसे प्रभेद का चयन करेंगे या दूसरे प्रभेद जैसे स्वर्ण प्रतिभा है बिरसाचियाँ के बैगन एक है इस तरह के प्रभेद का आप चयन करेंगे अगर हाइब्रिड आपको लेनी है तो आप स्वर्ण शक्ति स्वर्ण मोहित इस तरह के प्रभेद का आप चयन करेंगे और भी बहुत सारे प्रभेद हैं पूषा उपकार है इसका भी आप चयन कर सकते हैं पंत सम्राट का कर सकते हैं लेकिन पंत ऋतुराज का थोड़ा आप अगेती में चयन नहीं करेंगे यानी जो सीधा ऊंचा बढ़ने वाला जिसका पौधा होता है ज़मीन पे फल या डंटल उसके ब्रांचेज नहीं लगने चाहिए नहीं तो बरसात के मौसम में ये फल ख़राब हो जाते हैं इसलिए आपको प्रभेद चयन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है दूसरा इन्होंने जैसे हमसे अभी अभी बातचीत हुई इसमें बात चला कि नहीं हमें कैसे खेत की तैयारी करनी है तो जैसा कि हम जानते हैं बैगन बिचड़ा तैयार करने के पश्चात हम लोग मुख्य खेत में इसकी रोपाई करते हैं तो अगर आपको बिचड़ा के चूँकि बरसात के समय में या तो जहाँ पे बहुत ठंडा पड़ता है और बहुत कोहरे छाए रहते हैं जाड़ा आते ही फसल को नुकसान हो जाता है दिसंबर में तो वैसे जगह पे हम लोग इसको एक जून या पहला जून के पहले हफ्ते पे ही इसकी नर्सरी में बुआई कर देते हैं और फिर जुलाई में इसकी रोपाई करते हैं लेकिन जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है जुलाई अगस्त में तो हम लोग कहते हैं कि नहीं आप इसको पहला हफ्ता अगस्त में नर्सरी की बुआई करें और आखिरी हफ़्ता अगस्त या सितंबर के पहले हफ़्ते में मुख्य खेत में इसकी रोपाई करें खासकर हमारे झारखंड के प्रदेश में इसी तरह की हम लोग बात करते हैं लेकिन कहीं कहीं पे किसान जैसे हमारे पलामू क्षेत्र के किसान हैं झारखंड में वहाँ पे क्या करते हैं अघनुआ बैंगन करते हैं इसको जून के पहले हफ़्ते या पंद्रह जून के आसपास इसके बिछड़ी की बुआई करते हैं सबसे बड़ा मसला होता है उस तेज़ बारिश के समय में जुलाई के महीने में आप जो नर्सरी उगाएंगे बिचड़ा उगाएंगे उसमें दिक्कत आती है तो किसान भाइयों उसके लिए आप एक छोटा सा सेडनेट बना लें और उसके अंदर बिचड़े की उगाई करें या फिर पोटरेज मेथड से करें जिसमें पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर में इस पोटरेज में आप बिचड़ा उगाएं फिर उसकी रोपाई अपने खेतों में करें तब आप सफलतापूर्वक आगाती बैंगन की खेती आप कर पाएंगे इसमें भी आप जैसे जानते हैं कि बैगन का जो हाइब्रिड प्रभेद आते हैं इसका बीज बहुत महंगा होता है अगर आप बरसात में जैसे जाड़े के मौसम के लिए करते हैं खुले खेत में अगर आप बेड बना के और अगर उसका बिचड़ा उगाएंगे और तेज़ बारिश होगी बहुत तेज़ बारिश होगी तो उसमें क्या होगा जो नन्हे पौधे निकल रहे होंगे वो खराब होंगे बड़े पौधे हैं वो भी ख़राब होंगे और जो पौधे बीज अंकुरित नहीं हुए हैं और तेज़ ही बारिश हो जाएगी तो उसमें क्या होगा कि आपके सारे बीज सड़ने की संभावना बनी रहेगी इसीलिए आप पोर्ट्रेट मेथड से बिछड़ा उगा के ही इसकी रोपाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा बरसात के मौसम में अगर आगात जब लगाते हैं तो जून जुलाई के महीने में या अगस्त में वातावरण का तापमान अच्छा रहता है ऊंच रहता है साथ ही साथ जो नमी रहती है वातावरण में वो भी ठीक ठाक रहता है तो पौधे काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं खासकर नर्सरी में इसलिए 15 से 20 दिन के अंदर ही आमतौर पर जाड़े में देखते हैं 25 से 30 दिन में बिचड़े तैयार होते हैं तो ये बरसात के मौसम में 15 से 20 दिन में बिचड़े तैयार हो जाते हैं अगर पंद्रह दिन में बिचड़े तैयार हो गए हैं तैयार होने का मतलब है चार इंच की अगर उसकी ऊँचाई हो गई है तो आप उसको अपने खेतों में लगा सकते हैं ये चीज़ ध्यान देंगे अगर आप कहीं इस तरह से अपनी योजना बना रखे हैं कि नहीं बीस पच्चीस दिनों में हम रोपाई करेंगे तो इस समय तेज़ी से बिचड़े बढ़ते हैं और जब ज़्यादा लंबे बिचड़े होंगे आप खेतों में लगाएंगे तो पौधे गिर जाएंगे और बारिश होगी तो फिर आपका फसल बर्बाद हो जाएगा इसलिए इसमें चार इंच के जैसे ही पौधे हो जाए आपको लगा देना है और बेहतर होगा कि पोट्रेज़ मेथड से ही बिचड़ा उगा के आप लगाएं